हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों का दीपक फार्मा जोन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दवा फ्लुकोनाजोल के बारे में। फ्लुकोनाजोल 150 mg टैबलेट मार्केट में जोकॉन फ्लूका ब्रांड नेम से इजली अवेलेबल है। हम इसके यूज़ की बात कर लेते हैं तो इसका यूज जो है कैंडिडियासिस में करते हैं। कैंडिडियासिस जो है एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे होता है, जो कि कैंडिडा द्वारा काज किया जाता है। और वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन जो होता है, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन के केस में वेजाइना में स्वेलिंग आ जाती है, इचिंग होती है और रेडनेस हो जाता है और वाइट फ्लूइड भी डिस्चार्ज होने लगता है। इस केस में भी हम फ्लुकोनाजोल 150 mg का यूज करते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। फिर बात करते हैं क्यूटेनियस कैंडिडियासिस। ये जो है ये स्किन और नेल का इन्फेक्शन होता है जो कि कैंडिडा फंगस से होता है। इसमें भी फ्लुकोनाजोल का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। ओरल थ्रस जो है कि एक इन्फेक्शन होता है। इस इन्फेक्शन में जो है कि कैंडिडा अल्बिकेंस जो है माउथ में एकुमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। इस केस में भी हम फ्लुकोनाजोल यूज करते हैं। और लास्ट है ओनकोमाइकोसिस। ओनकोमाइकोसिस जो है कि ये नेल का इन्फेक्शन होता है, नाखून का इन्फेक्शन, स्पेशली टॉय नेल, अंगूठे के नेल पे, जिसमें कि नेल का कलर जो है डिसकलर हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है और नेल जो है कि नाखून थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है और नेल बेड से सेपरेट हो जाता है। फ्रेंड्स, अब इसके हम डोज की बात कर लेते हैं तो इसका डोज जो है कि एडल्ट को सप्ताह में एक गोली दिया जाता है, वो भी भोजन के बाद। और इसका साइड इफेक्ट जो है स्टमक पेन और चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस का मतलब कि चेस्ट में भारीपन। जिन पेशेंट को ओजोल एंटी फंगल मेडिसिन से एलर्जी होती है उन्हें फ्लुकोनाजोल नहीं देना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को लीवर फेलियर या किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है तो उन्हें भी फ्लुकोनाजोल यूज नहीं करना चाहिए और इसे प्रेग्नेंट वुमन को भी नहीं देना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।